वेरी गुड इवनिंग एवरी वन आई रेली होप यूर डिंग हर राधा ठाकुर मुस्कान शुभम नीलू आकृति आदित्य अनिता गौरव राकेश प्रतीक राकेश यशोधन प्रोफेसर अंशिका सौरव प्रार्थना अब्दुल गौरव प्रतीक अंशिका ऑल द पीपल आउटदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है like प्रचंड है लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होगा यहां पर हम लोग बहुत शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑफकोर्स हमने जो भी कवर किया उससे जुड़ी हुई और काफी सारी चीजें यहां पर हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करेंगे यानी कि एम के फॉर्मेट में हम लोग करने वाले हैं सो दैट्स वन थिंग यू ऑल नीड टू बी लुकिंग एट एक बहुत बेसिक सी चीज है जो मैं आप सबको यहां पे बताना चाह रहा हूं समझाना चाह रहा हूं एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल आर एब्सोल्युटली वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सो so, आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं ऑल द पीपल हैव मी राइट नाउ मेक श्योर यू ऑल शेयर द सेशन एंड डू सब्सक्राइब टू यूर चैनल राइट नाउ एवरी जिसने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है इसको शेयर जरूर कर दे एंड डू हिट द लाइक बटन एज वेल इफ यू फाइंड कि भाई ये सब सेशन आपके लिए यूजफुल साबित होते हैं सो मेक श्योर यू डू दैट राइट नाउ अब देखिए ध्यान से आप अगर देखें तो क्वेश्चन आंसर तो किसी भी पढ़ाई के अंदर एक हार्ट एंड सोल का काम करते हैं ये तो आप भी जानते हो ये मैं भी जानता हूं एवरीबडी नोज दैट कि क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है विदाउट क्वेश्चन आंसर्स तो आप काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर पाते रिटेन नहीं कर पाते तो सिर्फ पढ़ाई करना अलग चीज़ है लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर अगर मिल जाए तो काफ़ी मजा आता है सो so चलिए इस काउंट के साथ ही हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं देर इट गोज ऑन योर स्क्रीन योर फेवरेट काउंट एंड फाइनली वी आर गुड टू गो हम लोग स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है सुनाओ वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन मेक श्योर यू ऑल हैव शेयर द सेशन येट एंड डू हिट द लाइक बटन इफ यू हैव नॉट लाइक द सेशन येट सब लोग इसको फटाफट से शेयर जरूर से कर दीजिए एनी वेज दे यू गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन विच मिनिस्ट्री रिलीज बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस कौन से मिनिस्ट्री ने बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस जो है उनको रिलीज करने का काम किया सो आई थिंक दैट्स क्वाइट एन इजी वन बताइए फटाफट से सो so ये तो आई थिंक सब लोग बता सकते हैं बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन जो कि मैंने पहले भी आपसे इसके बारे में चर्चा की है पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन की हुई है तो बताइए देखिए अब जहां क्वेश्चन में ही बायोटेक प्राइड है वहां पे आई थिंक आई डोंट नीड टू टेल यू मच व्हाई बिकॉज जब क्वेश्चन आपको बोल रहा है बायोटेक प्राइड तो ऑफकोर्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक होगा तो इट हैज टू बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक दैट्स क्वाइट अ सिंपल वन तो याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक की जब बात आएगी तो यहां पर प्राइड की बात आ रही है इट्स क्वाइट तो अ वेरी इंटरेस्टिंग वन तो आपने यहां पर पहले तो देखो क्वेश्चन को समझना है उसके बाद ही आप उसको आंसर कर सकते हैं दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपका जोश हाई है तो होश भी हाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं देख पा रहा हूं कई लोगों ने आयुष बोला और सबने आयुष बोल दिया कभी भी ये काम नहीं करना है डोंट डू दिस भेड़ चाल एवा वॉट यू गॉट टू बी डूइंग इज वेरी स्मार्टली इसको आप करिए सभी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि एक ने बोल दिया आयुष तो सब लोग आयुष बोल दोगे यहीं पे आप फंसते हो सो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट एवर चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव अहेड द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च ई रूपी ई रूपी को लॉन्च किया गया इसके बारे में क्या लगता है आपको सही है कैशलेस एंड कॉन्टेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट अ क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर बताइए क्या लगता है आपको पहली बात तो देखिए ई रुपी जो है उसको आरबीआई ने तो नहीं बनाया है आर इज नॉट बिहाइंड दैट वाइट हां जी अमित बिल्कुल एनफे इट्स कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिजिटल पेमेंट एप्सोल्यूटलीस क्यू आर कोड एस एम एस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउच एब्सोल्यूटली राइट सो यहां पर मुझे लगता है सी हैज राइट आंसर अब सवाल आता है कि हु डेवलप्ड ई रूपी ये जो ई e रूपी है इसको डेवलप किसने किया बात तो यह आती है तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा ई e रूपी की डेवलपमेंट की गई एनपीसीआई के द्वारा ऑन इट्स यूपीआई प्लेटफॉर्म तो आरबीआई नहीं आई एनपीसीआई है अफकोर्स इट्स अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर डिजिटल पेमेंट इट्स अ क्यूअर कोड एंड एस एम एस स्ट्रिंग बेस ई वाउचर सो यू गॉट टू बी वेरी क्लियर इन योर अप्रोच ये पॉइंट जितने भी है इनमें आपको एक बेसिक क्लैरिटी होनी जरूरी है आई होप इट हेल्प सिंपल फाइन चलिए अब ध्यान दीजिएगा रिसेंटली हमने देखा बात तो वैसे ऑगस्ट की है पैरामिलिट्री फोर्स कमिशन इट्स फर्स्ट टू वेमेन ऑफिसर्स क्लियर दो महिला ऑफिसर्स जो है उनको कमीशन किया गया है किस फोर्स के द्वारा यह किया गया मतलब इट वाज ऑल ओवर द न्यू आई थॉट कि आई शुड बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन फटाफट से बताइएगा किस फोर्स ने यह किया है ऑफिसर्स इन कॉम्बैट कॉम्बैट सो ये की बात हो रही है बेटे इट इज आई टी बी पी इंडोतेबियन बॉर्डर पुलिस की जब हम बात करते हैं तो आई टी बी पी एप्सोल्यूटली इज द राइट आंसर आई टीबीपी आई टी बी पी एब्सोल्यूटली इज द राइट आंसर क्यों भी समझ आया इतना सो आई रियली होप ऑफ वन थिंग कि भाई जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ एटलीस्ट आपको उससे एक बेहतरीन क्लैरिटी ज़रूर मिल रही होगी बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस वही छोटे छोड़ छोटे पॉइंट्स हैं जो हम सबको यहाँ पर समझ में आने ज़रूरी है और ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग कि ये रिविजन जो है वो तो बेस्ट है ही है मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत तो आपको होनी है नहीं चलिए नेक्स्ट वन की बात करते हैं पीडीएफ आपको रोज मिलता है आज भी मिलेगा पीडीएफ की चिंता ना करो पीडीएफ आपको मिल जाएगा बचो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जिसने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है डू शेयर द सेशन राइट नाउ चलिए सिंगापुर इजॉप द इंडेक्स इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट इंडिया रैंक वन ट्वेंटी सेवेंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय वर्ल्ड यूथ अलायंस दिस इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट वाई डू आई से दैट बिकॉज यहां पर इसको रिलीज किसने किया है आई थिंक ये मैंने क्लास में ऑलरेडी करवाया हुआ है तो आप इतना तो मुझे बता सकते हो इट वॉज इट हैज़ बीन रिलीज बाय होम ये मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बताइए जरा क्योंकि देखो ये सिंपल से पॉइंट्स हैं बट आई फील कि आपको पता होने चाहिए वी शुड बी वेरी मच क्लियर इन आर अप्रोच इट हैज़ बीन कॉमनवेल्थ बिल्कुल कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट की हम लोग बात करते हैं उन्होंने इसको रिलीज किया है सो दिस इज एप्सोल्यूटली

ऐसा तो कोई हो नहीं सकता जिसको क्वेश्चन करके एक बेसिक क्लैरिटी ना मिले चीजों की आई अज्यूम नेक्स्ट वन गोज ऑन यू स्क्रीन विच मिनिस्ट्री हैज फॉर्मुलेटेड स्कीम नेमली इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग एवेल्युएशन एंड सोशल ऑडिट दैट इज आई मीसा सो ये आई मीसा स्कीम देखी गई थी सो वॉट यू थिंक कौन से मिनिस्ट्रीज के पीछे है इज इट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर लॉइन जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सो वॉट डू यू थिंक इज अ मिनिस्ट्री बेसिकली कहते हैं ना सोशल ऑडिट बहुत जरूरी है सोशल सेक्टर स्कीम्स का सोशल ऑडिट तो आपको क्या लगता है कि सोशल ऑडिट करने में कौन सी मिनिस्ट्री ज्यादा रुचि दिखाएगी बताइए ये क्वेश्चन आपसे नहीं है ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि सोशल ऑडिट कौन सी मिनिस्ट्री करेगी सो दैट्स दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन आई हाँ बताइए जरा मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्टर एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एप्सल्यूटली हेयर सी हैज टू बी द राइट आंसर बिल्कुल जी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज द वन विच इज गोइंग टू बी फोकसिंग अपॉन सिंपल इट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आई होप इट हेल्प कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है एप्सल्यूटली इट इज क्लियर फाइन चलिए बहुत बढ़िया मजा आ रहा है आर यू इंजॉइंग द सेशन तो सोशल ऑडिट में होता गया है देखो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है मान लो आपके घर के पास कोई कुछ भी बन रहा है तो आप भी उसमें स्टेक होल्डर हो तो वहां पर उसके हिसाब से रिपोर्ट जाएगी आपका भी वहां पर व्यू लिया जाएगा सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके काम किया जाएगा तब जाके सोशल ऑडिट को कंप्लीट माना जाएगा तो ये कोई रैंडम चीज नहीं है कि कभी भी हो गई इट इज एब्सोल्युटली अ वेरी फिनोमिनल थिंग जो कि अच्छे अच्छे देशों में होनी चाहिए मतलब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के साथ ही एसोसिएट करके देखेंगे इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रूपल uh, सारे क्वेश्चन बेटे प्रीवियस क्लासेस से नहीं है लेट मी टेल यू कुल मिला के मैंने क्या किया जैसे जुलाई अगस्त सितंबर के सारे क्वेश्चन मिक्स है ये सो डोंट वरी ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस क्लास में ही करवाए हुए हैं नहीं तो so ये मैंने काफी सारी जो चीज़ें हैं उनको मिक्स एंड मैच करवा के चला हूं बस अपना जोश कम नहीं होना चाहिए जोश को बढ़ाते रहिए एंड आई एल बी गिविंग यू बेस्ट क्वेश्चन ये बताना जरा हल्दीबाड़ी चिल्हाती रेलवे लिंक आपने शायद सुना होगा अगर नहीं सुना तो आज सुन लोगे अभी सुन लोगे तो दो स्टेटमेंट्स हैं इसके ऊपर इट इज बिटवीन इंडिया नेपाल पहली स्टेटमेंट दूसरा इट वॉज ऑपरेशनल टिल नाइनटीन बताओ जरा क्या लगता है आपको मतलब आई थिंक इट्स क्वाइट इजी वन चलिए सो इसको इसको सॉल्व करते हैं इट इज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल आई डोंट थिंक सो फाइन सो आई थिंक इट इज बांग्लादेश चलो इट वाज ऑपरेशन टिल नाइनटीन आई थिंक दिस इज ट्रू

सो दैट इज हल्दी बाढ़ी चलाती तो बहुत सारी हमारे ऐसे हैं तो ये लिंकेज जो है पहले तो हमारी ऑपरेशनल होती थी टिल नाइनटीन सिक्सटी फाइव लेकिन फिर बंद हो गई थी अब हमने दोबारा से चलाई है इतने सालों बाद इतने सालों बाद वी हैव मेड इट ऑपरेशन वन सेकेंड एंड आई थिंक दैट इज समथिंग यू ऑल नीड टू बी लुकिंग एट प्रिसाइसली दैट इज समथिंग विच यू ऑल नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग विद यू नो क्लियर क्लैरिटी दैट वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेल यू सो मैप आपके सामने आप यहाँ देख सकते हो दैट इज इंडो बांग्ला बॉर्डर का बेटे करंट अफेयर्स का ही है विशाल क्योंकि अभी ये रिसेंटली ओपन हुआ है मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि ये बंद हो गया था यू नो इट वॉज ऑल ऑफ फिर ट्वेंटी में हमें रिसेंटली इसको ओपन किया है ठीक है सो दैट्स फोर इट इज करंट अफेयर का चलिए ये बताओ जरा विद यू द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज नॉट पार्ट ऑफ द इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज तो ये तो इंडेक्स आता ही रहता है बार बार तो आई थिंक ये तो करंट अफेयर के अंदर कंसिडर कर सकते हैं हम इसको बताइए जरा तो कौन सा इसका पार्ट नहीं है चलिए कोल तो आई थिंक है स्टील भी है सीमेंट भी है आई थिंक टेक्सटाइल इज नॉट अ पार्ट सो सी हैज टू बी द राइट आंसर ध्यान से देखिएगा यहां पर जब मैं एट कोर इंडस्ट्रीज की बात करता हूं कोल है क्रूड ऑयल है नेचुरल गैस है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है फर्टिलाइजर स्टील सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सो ऑल दीज एट आर द वंस लेकिन टेक्सटाइल की इसमें कोई भी जगह नहीं आई थिंक ये तो कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हो एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लास्ट क्वेश्चन इन ऑल द एग्जाम्स यू वुड बी अमेज टू नो एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे पूछने पूछेंगे एंड यू विल है इज करेक्ट रिगार्डिंग द रुदेश्वरा टेम्पल और रमप्पा टेम्पल एज वी कॉल इट सो इट इज दर्टी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया इट इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कातिया एम्पायर इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका तीन स्टेटमेंट है जो मैंने आपको क्रिएट की है बताइए जरा ओके okay, कर्नाटका वाली बात तो बिल्कुल फ्लॉड लग रही है मुझे बिकॉज इट हैजू बी तेलंगाना अच्छा इज इज थर्टी सेवनिटेज साइट नो अभी तो थर्टी और फोर्टी एड हुए हैं तो बचता क्या आई थिंक सिर्फ टू ही बच रहा है सो इट इज ए विच इज द राइट आंसर ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब बैठ रहा है कैसे ध्यान दीजिएगा रमप्पा टेम्पल जो कि आपको पता ही है तेलंगाना में है इट इज दर्टी नाइन्थ वर्ल्ड हेरिटेज साइट धौलावीरा विच इज इन गुजरात इट इज द फोर्टी एथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डू मेक अ नोट ऑफ इट इट कैन बी देयर इन एनी एग्जामिनेशन वर्ट फाइन सो अब ये तो आप मानेंगे कि हाँ मतलब दीज आर दिंग्स विच वी हैव टू बी लुकिंग एट प्रिसाइसली वन थिंग यू नो कई बार क्या होता है क्वेश्चन जो है वो इतने मुश्किल नहीं होंगे बट दे आर वेरी ट्रिकी सो वो जो ट्रिकी वाला पार्ट होता है उसको अगर आपको मैनेज करना आ गया देका इज द लिमिट फॉर यू सो यू हैव टू मैनेज सच क्वेश्चन प्रिसाइसली एंड उसी में कई लोग फंसते हैं क्लियर थर्टी सेवन थर्टी नाइन्थ में कई बार लगता है कुछ फर्क नहीं है वहीं आपको दिक्कत होती है नेक्स्ट वन गोज ऑन स्क्रीन हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ रेसिपिएंट ऑफ लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो बताइए जरा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है बहुत ही प्रस्टिजियस अवार्ड है किसको ये दिया गया है सेशन इफ यू फाइंडिंग इट यूजफुल डू शेयर इट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एंड डू हिट द लाइक बटन एज वेल चलिए ये तो काफी इजी है वैसे सायरस पूना वाला साइरसपूना वाला सीरम इंस्टीट्यूट बस इतना याद रख लो की क्या है वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट खत्म वैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट यहां पर आपके की बनते हैं गेटिंग इट सो बस ऐसे आपने आंसर करते रहना और तो इसमें कुछ भी नहीं है मतलब ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आई फील दीज आर वेरी वेरी लॉजिकल क्वेश्चन जस्ट नीड टू हैव अ बेसिक नैक ऑफ आंसरिंग दम दैट्स वेरी मच इट एंड इफ यू हैव दैट You are absolutely गुड टू गो चलो अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको कौन सी सिटी है जो 2032 का समर ओलंपिक होस्ट करने के लिए तैयार है तैयार है या उसको मतलब बोला गया कि आप होस्ट करेंगे समर ओलंपिक ऑफ 2032। चलिए पेरिस तो नहीं हो सकती क्योंकि 2024 का करेगी फाइन uh, उसके बाद आई थिंक इट हैजू बी बी ब्रिस्बेन। कैसे ट्वेंटी का तो पैरिस करवा रही है आपको या स्क्रीन पर दिख रहा है 2028 का यूएसए में एक सिटी है एले लॉस एंजल्स करवा रही है और 2032 का ब्रिस्बेन करा रही है तो मैंने अगले तीनों आपको वेन्यूज बता दिए नेक्स्ट पेरिस उससे नेक्स्ट यूएसए में होगा उससे नेक्स्ट होगा ऑस्ट्रेलिया में तो ये पेरिस कहाँ पे फ्रांस में तो बस इतना याद रख लेना फ्रांस में पेरिस है एले यूएसए में और यहाँ ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में दीज आर द थ्री नेक्स्ट वेन्यूज फॉर ओलंपिक्स ओलंपिक से बड़ा तो स्पोर्ट इवेंट कोई है नहीं आप भी जानते हो तो हमें मतलब एटलीस्ट इतना आइडिया जरूर होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको देखते हैं अच्छा आपको पता कॉमनवेल्थ गेम्स जो है दे डेफिनेटली आर इंपॉर्टेंट ऑल द टाइम मतलब ये बात हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बातें होती हैं दे आर श्योरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इनफैक्ट आपको शायद पता भी होगा कि अभी बर्मिंगम में गेम्स होने वाली है यूके में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अभी वाली गेम्स कहां पे हो रही है कॉमनवेल्थ तो उसमें हो जाएगा विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिसेंटली सेटअप ग्रेन एटीएम पैसे तो निकालते हैं बहुत एटीएम लेकिन ग्रेन निकालने वाले एटीएम के बारे में बताइएगा यू थिंक इट 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 इज इज कंट्रीज फर्स्ट ग्रेन एटीएम इन यूपी इंस्टॉल्ड अंडर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तो बताइए जरा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही है विकास uh, बिल्कुल मतलब उम्मीद यही है चलिए देखिए यूपी में तो नहीं हो सकता क्योंकि गुड़गांव इज नॉट इन यूपी आई थिंक हरियाणा में है फाइन हरियाणा सेकंड सीट में एलिमिनेट करेंगे इसको एलिमिनेट किया इसको एलिमिनेट किया इसको एलिमिनेट किया वी आर लेफ्ट विद वन एंड थ्री इज राइट आंसर दैट्स एज सिंपल एज दट यू गॉट बी नोइंग दैट वन एंड थ्री सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर समझ आया सी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है गुड़गांव में है तो ये तो आपको पता ही होगा दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग तो ये सारी चीजें मैंने आपको करवाई भी है बहुत सारी और अगर चांस आपने कुछ उसमें नहीं भी किया है तो आपको यहां पे पता चल जाएगा और क्या आप उसको कर लो कोई ऐसी बात तो है नहीं ना मतलब कुछ नया आप सीखने को मिल रहा है अगर दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग चलिए सो आई कैन सी द जोश इज वेरी हाई इफ योर जोश इज हाई माई इज सुपर हाई लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बनाएंगे लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को कहां पे बनाएंगे हाँ जी मोहित कोई बात नहीं मिक्स एंड मैच है बेटे सारे मिक्स एंड मैच ही हैं बताइए जरा आपकी प्रैक्टिस से मतलब है ना आपको करंट अफेयर की प्रैक्टिस है ये सिंपल से मैं बताया था कि करंट अफेयर की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और प्रचंड प्रैक्टिस होगी एकदम वही हो रही है तो बताओ जरा इट इज इन नोएडा अब ग्रेन ए टी एम गुड़गांव में है इंडियन इंस्ट्रीट हेरिटेज नोएडा में है नोएडा यूपी में है तो इतना ध्यान रख लो क्या मुश्किल है क्लियर सो so, अब मैंने इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा मैंने ये नोएडा नहीं पूछा मैंने आपको स्टेट पूछ ली यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सो so, हमें मतलब बस इन्हीं पॉइंट्स को एक अंडरस्टैंडिंग के उसमें लाकर देखना है कोई बात नहीं रिसेंटली विच फोर कंट्रीज एग्रीड इन प्रिंसिपल कि हम लोग न्यू कोआर्डिलेटर डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जैसे न्यू क्वाड बनाएंगे जैसे इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया वो तो है ही है कौन सी चार कंट्रीज कहते हैं कि हमने भी बनाना है तो ये बताओ जरा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है सो आई थिंक इट वॉज ऑल ओवर द न्यूज एंड आई थॉट कि मैं पूछ लूँ आपसे कि मैंने बताया भी था वैसे आपको इंडिया तो इसमें नहीं है देखो इंडिया जहां पे भी उसको काट देते हैं सो so, या तो बी है या सी है अब श्रीलंका तो बेचारा वैसे बैंक से जूझ रहा है तो वो क्या ही करेगा इट हैज टू बी सी विच इज द राइट आंसर यूएस अफगानिस्तान पाकिस्तान उजबेकिस्तान इज एप्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली द राइट आंसर सी तो एग्जाम में क्या होता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो कई बार पढ़ी हुई चीजें भूल जाते हो सो दैट्स रीजन आई एम कमिंग अप विद दिस प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर यू गाइस एंड ट्रस्ट मी

बी एब्सोल्यूटली इज द राइट आंसर सो ये तो आपने सुना ही है यह हमने भी बात की थी यहां पर आगे बढ़ते हैं विच यू द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इश्यू एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी कौन सी स्टेट ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है सेफ है सिक्योर है काफी एडवांस है सो आई थिंक यू शुड बी एबल टू आंसर दिस वॉल बताइए जरा कौन सी है ये स्टेट जिसका हम लोग यहाँ पे जिक्र अभी कर रहे हैं गुड जॉब सो देखिए ऑफ कोर्स इट इज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सो बेसिकली बॉम्बे में हमने देखा इसको होते हुए सो इट इज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सी इज द राइट आंसर दैट वाज क्वाइट इजी बात चलो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाते आगे बढ़ते हैं इंडियन नेवी ने कंडक्ट की फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज अल अलमोहद अल हिंदी विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कौन सी कंट्री के साथ ये नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है भारत ने सो आई थिंक ये तो अब आप आंसर कर ही सकते हो बताइए जरा इट वॉज ऑल ओवर द न्यूज सो ऑप्शन देख के वैसे तो आपको पता होना चाहिए अलमोहद अल हिंदी वैसे मैंने ये करवाया भी हुआ है आपको सो इट इज़ नॉट ईरान अफकोर्स ईरान के साथ तो करने से हम लोग बचते ही हैं यू ए के साथ ये नहीं थी इट वॉज सऊदी अरेबिया सो ऑफकोर्स ए हैज बी द राइट आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है फाइन अच्छा आप में से बहुत सारे लोग ये ये सवाल जरूर रहता है हमेशा व्हाट द पीडीएफ पीडीएफ मिलेगा जवाब है पीडीएफ हाँ. मिलेगा उसका जवाब है एक टेलीग्राम चैनल है आकाश जी के बूस्टर एक छोटा साइन दिस चैनल एवरी आराम से ज्वाइन कर लेना कोई हड़बड़ी नहीं है आकाश जी के बूस्टर चैनल सो यू विल गेटिंग पीडीएफ ऑफ दिस से जैसे सेशन खत्म होगा पंद्रह मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा सो so उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए कृपया और चिंता सिर्फ इस चीज की करिए इफ यू हैव नॉट लाइक द सेशन इफ यू फाइंडिंग इट यूजफुल एंड इफ यू हैव नॉट शेयर की बात की तो नेवल की बात में थोड़ी सी बात और बढ़ाते हैं आगे तो आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान रखिएगा द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021 सो एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021 के बारे में वी हैव टू बी टॉकिंग अबाउट व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर

पार्टिसिपेटेड, सो कैटलाइस के बारे में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कुछ है ही नहीं इंपॉर्टेंट दिस आर टू थिंग्स इन पर्टिकुलर थिंग आई होप यू आर इंजॉइंग बिकॉज वी आर गोइंग विद स्पीड बट दिस इज वॉट यू नीड एट दिस पॉइंट इन टाइम स्पीड इज वॉट यू नीड नीड फॉर स्पीड आगे बढ़ते हैं इन लार्जेस्ट ऑयल फर्म इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

स टेक्निकल एक्सपर्टीज बट दे आर गोइंग टू यूजिंग दैट रिसेंटली एक न्यू स्पाइडर स्पीशी मिली और उसको ट्वेंटी सिक्स अलेवन के माटर के नाम पर रखा गया तो आई थिंक यह आप बता सकते हैं मुझे बताए स्पाइडर को इनके नाम पर रखा गया ताकि हम लोग इनको याद रख सके स्पाइडर का नाम क्या है वॉट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ स्पाइडर सो आई थिंक इट वॉज ऑल ओवर द न्यूज मैं आपको यहां पर फोटो भी दिखा देता हूं आई थिंक दैट वुड बी क्वाइट इजी ठीक है तुकारी इज द स्पाइडर सो so तुकार उमले इज द शहीद जिनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सो बस आप इतना याद रख लेना कि एक बहुत बड़ी ये चीज़ है तो स्पाइडर का नाम क्या है ईशियस तुकारी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज़ ईशियस तुका रामी अब तो ये आपको याद हो गया होगा सो so इट इज तुकार उम्बले के नाम दैट सिंपल मुंबई पुलिस को इन्होंने अपनी सेवाएं सेवाएँ अंतिम सांस तक ही वॉज फाइटिंग एंड आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए अब अगला जो क्वेश्चन है आई uh, फील वो बहुत ज्यादा एक ब्राइट मतलब क्वेश्चन है आई एम श्योर यू विल बी अमेज टू नो अबाउट दीज क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन स्पेशली क्यूरेट किए गए हैं आपके लिए आप समझ जाएंगे मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन तो चलो हो गया नेक्स्ट वन इज बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द

इज द राइट आंसर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहली बात तो ये बात हमेशा याद रखिएगा एंड दिस इज काइंड ऑफ द क्वेश्चन जो कि आपको बहुत स्मार्टली टैक करना है चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ इसमें पहली बात तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस इसमें कोई भी काम नहीं है क्योंकि हंगर की जहाँ बात आती है वहाँ पे एफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इनकी बात आती है हमेशा तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इनकी बात आएगी जो रोम में बेस्ड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो होगा नहीं इसको भी काट दो इसको भी काट दो इसको भी काट दो योर लेफ्ट विद सी विच इज द राइट आंसर

आप ये देखिए जैसे हाईती है एल सलबोर हॉन्द्रास वगैरह एरिया है देन का कुछ एरिया है लियोन है ऑफ कोर्स इथियोपिया साउथ सूडान मेडागास्कर सोमालिया मैडागैसकरियान सूडान लेबनान के कुछ एरियाज सो वी हैव गॉट सीरिया के अंदर भी सो दीज आर ट्वेंटी थ्री ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट्स हॉटस्पॉट्स का मतलब है वो एरियाज जहां पर हंगर ने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया भूख जस्ट इमेजिन सो दीज आर सो मोस्ट ऑफ देम आर वेयर मोस्ट ऑफ देम आर इन अफ्रीका सो अफ्रीका में आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे अफकोर्स साउथ अमेरिका में भी हैं हैंशन अफगानिस्तान भी है उनमें से तो हंगर हॉटस्पॉट मतलब वो एरिया जहां पर बहुत सारे लोग जो है वो हंगरी हैं दे डोंट हैव फूड टू टू मीट ऑल देयर नीड्स दैट्स आई आई होप इट हेल्प्स सो थिंक यू गॉट नो समथिंग न्यू ये हंगर हॉटस्पॉट का कंसेप्ट आपको नया पता चला तो आपने बस इसके अंदर यही सब चीजें पता करनी है मैंने आपको मैप में तभी दिखाया है कि भाई तेईस ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट्स हैं दैट्स वेरी मच इट चलो अफगानिस्तान तो तालिबान के क्राइसिस के बाद बनी गया बुक बनी विच ऑफ अ रिपोर्ट ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर टाइटल टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर फाइन सो ये क्वेश्चन समझ आया टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की बात हो रही है इज दैट एनटीपीसी अब देखो एनटीपीसी पूरे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की तो बात कर नहीं सकता फिक्की का तो कोई काम ही नहीं है यहां पे आई आर डी ए भी नहीं है यहाँ पे नीति आयोग इज द राइट आंसर बी इज द राइट आंसर ये अमिताभ कांत भी यहां पे खड़े हैं आप देख सकते हैं दिस इज हाउ वॉट दे आर होल्डिंग इन देंस यहां पढ़ पा रहे हो ये बेसिकली उन्होंने यहां पे लिखा हुआ है टर्निंग अराउंड द पॉर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के चैलेंजेस इंडिया में सबसे बड़ी यही है कि कितने लॉसेज होते हैं जब आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हो वी गॉट टू बी वेरी प्रिसाइस इन अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव टू कट डाउन दीज लॉसेज द मोमेंट यू कट डाउन दीज लॉसेज द प्रॉफिट्स आर गोन बी मैग्निफाइड टू ग्रेट एक्सटेंट दैट इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द डिस्कॉम्स गो इन टू द लॉेज बिकॉज ऑफ दीज लॉसेज वी हैव टू बी वेरी प्रूडेंट ऑन दीज नीति आयोग ने उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया देखो नीति आयोग है क्या नीति आयोग एक थिंक टैंक है एक सोच है मतलब वो इतने सारे एक्सपर्ट्स को बिठाता है सोचते हैं और उससे तो बात बनती है चलिए एनी वेज इसके बारे में कभी और बात करेंगे देखो विच गवर्नमेंट एजेंसी हैज लॉन्च द कम्पलाइंस इंफॉर्मेशन पोर्टल बहुत ज्यादा न्यूज में था आई थिंक ये आपको पता होना जरूरी है कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल की बेटे यहां पे बात हो रही है आई थिंक यू शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर दिस वन प्रिसाइसली ऑल ऑफ यू सो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन गुड जॉब सो ये तो वैसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इतना बट स्टिल यू गॉट टू बी नोइंग इट इज सेंट्रल बोर्ड फॉर इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सो बेसिकली कस्टम्स से एसोसिएट आप इसको करोगे ध्यान दीजिएगा कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल यहां पर क्या लिखा है बताओ जरा दिख रहा है अब आपको कभी नहीं भूलेगा दिस इज इंडियन कस्टम्स ये पोर्टल का पोर्टल पूरा दिखा रहा हूं मैं आपको ध्यान से देखो ये आप कस्टम स्टेशन के बारे में है सेंट्रल बोर्ड इंडायरेक्ट टैक्स ये है पूरा सी पोर्ट एयरपोर्ट ये पूरा इसके बारे में लिखा गया है देन यू गॉट दिस सेल्फ सीलिंग फैसिलिटीज री इम्पोर्ट री एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सैम्पल स्पेशल इकोनॉमिक इकनोमिकोन्स सबके बारे में है यहां तक कि एप सपोर्ट भी आपको मिलेगा सो आई थिंक दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आएगा बट टू बी प्रिसाइस कस्टम्स से जुड़ा हुआ है कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन पोर्टल इज बेसिकली ऑफ इंडियन कस्टम्स अब एग्जाम में कम से कम आप गलत नहीं करके आने वाले एग्जाम में आपका ये सही होगा ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग दीज आर द का ही है पहले भी पूछे गए हैं दे है सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच स्टेस इज रीव स्कॉच अवॉर्ड फॉर इट स्कीम शिल्पा सा सिल्प साथी स्कीम के लिए इनको अवार्ड मिला तो बताइए जरा कौन सी स्टेट की यहाँ पर बात हो रही है uh, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रही है स्कीम सो आई थॉट यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस थिंग एवरी वन द जोश टू बी हाई एवरी वन हैज बी शेयरिंग द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स थैंक यू अमित थैंक यू सो मच इट इज़ वेस्ट बंगाल मैं आपको बताता हूँ कि साथी की जब बात आती है बेसिकली है क्या दिस इज सिंगल विंडो सर्विसेज फॉर द बिजनेस इट इज बेसिकली टू ईज द बिजनेस तो डिपार्टमेंट एम एस एम ई टेक्सटाइल वो इसके साथ ऑन बोर्ड है डिपार्टमेंट इंडस्ट्री ये सबका मिल के ये एफर्ट लिया हुआ है तो कहते हैं ना कम टू बंगाल राइट द ग्रोथ सो अब वेस्ट बंगाल एक तरह से बहुत ओपन हो रहा है ग्रोथ स्टोरी के बारे में दे आर ट्राइंग टू ओपन अप फॉर न्यू यू नो पीपल न्यू बिजनेस टू कम टू वेस्ट बंगाल सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेस्ट बंगाल में हमें ये देखने को मिला क्या है ये शिल्प साथी इजी वेरी इजी नेक्स्ट वन गोज ऑन यू स्क्रीन्स वॉट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर दैट हैज बिगन इट्स मेड इन शिप ट्रायल्स नाउ दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सो आई वॉन्ट यू ऑल टू भी आंसर इन दिस वन एट लीस्ट ये आज का सबसे आसान क्वेश्चन है एटलीस्ट यू कॉन्ट फ्लंक इन दिस वन इसमें आप गलत नहीं कर सकते इट हैज टू बी आई एन एस विक्रांत आई एन एस विक्रांत सो मेड इन इंडिया है ये सबसे बड़ी बात है आप मुझे कमेंट करके बस इतना बताओगे कि भाई कौन सा शिप यार्ड है जिसने बनाया कौन सा यहाँ पर शिप है जो इसको बनाता है सो दैट्स दैट्स वेरी इजी वन आई थिंक यू कैन आंसर दिस वन के चलिए फटाफट से बता दो मुझे कमेंट करके सब लोग शाबाश ऑर्गेनाइजेशन रिलीज सतनव पॉलिसी 2021 ये काफी न्यूज में थी सतनव पॉलिसी तो आपको बस ये बताने कि सतनव पॉलिसी किसकी है वेरी गुड चलिए बहुत अच्छी बात है सब लोग कमेंट कर रहे हो सतनव पॉलिसी बता दो शाबाश चलिए बहुत बढ़िया कोचिन शिपयाड है बिल्कुल सही बात है गोवा शिपयाड नहीं बेटे, गोवा शिपयाड में कहाँ से बनेगा कोचिन बिल्कुल चलिए बताओ इट इज द इसरो नव नव मतलब पता है ना आपको आसमान से जुड़ी हुई चीज व्योम नव ये सब चीजें किससे जुड़ी होती है ये सब आसमान से जुड़ती है तो याद रखेगा सतनव पॉलिसी की जब बात आएगी इट हैजू बी इसरोज द राइट आंसर सतनव पॉलिसी राइट तो इसरो स्काई व्योम से जुड़ी हुई है ये अब हर चीज में मैं नहीं कहता कि गैस वर्क करो लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लगता है आ, कि भाई आप कम से कम उसमें थोड़ा सा गैस तो नहीं एक इंटेलिजेंट गैस आप ले सकते हो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो एंड यूल बी गुड टू कोई इसमें मतलब ऐसी तो बात है ही नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है क्वाइट ईजी चलो ये बताना जरा अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक और करिश्मा कर दिया एक बहुत बड़ा काम किया दे कंस्ट्रक्टेड द हाइएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड एट विच प्लेस डिड दे डू इट इज बाराला इज इट उमलिंगला खरदुंग या लचलुंगला सो दैट इज मैनेजेबल क्वेश्चन आई वुड से मतलब दैट्स नॉट अ वेरी टफ वन शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर दिस वन ये बताइएगा कहां पर हमने इसको देखा होते हुए गुड जॉब वे टू सी दैट सो इट इज एब्सोल्यूटली खरदुंगला नहीं है लाचुंगला नहीं है बारालाचला नहीं है सो क्या वजह बी उमलिंगला इज द राइट आंसर सो याद रखिएगा उमलिंगला हैव अ लुक एट दिस वो कहते हैं ना बी आर ओ वेलकम्स यू टू द हाईस्ट यहाँ पे बाइक पे ऐसे लोग सेल्फीज खिंचवाते हैं हाइएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड एंड यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग इट हैजू बी उमलिंगला उन्नीस हज़ार फीट से भी ज़्यादा तो आप यहीं से दिमाग लगा लीजिए कि क्या इसकी हाइट है सो so, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड यू नो द काइंड ऑफ द हाइट दे हैव डन 19,300 है फीट 19,300 फुट की हाइट है तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा मैंने आंसर देते हुए आपको थोड़ा सा घुमाया आप घूम गए क्लियर सो कोई बात नहीं ये ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बिल्कुल नहीं है ये लद्दाख में है लद्दाख लद्दाख इज अवटी लद्दाख तो फिर से यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग घुमा सो इट इज नॉट अरुणाचल प्रदेश ये बॉम्बीला की बात थोड़ी कर रहे हो गए आई एम टॉकिंग मत द उमलिंगला लद्दाख सो ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एंड ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग इफ यू आर यू नो अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल थिंग्स प्रिसाइसली यू आर एब्सोल्युटली इन अ वेरी स्वीट स्पॉट एग्जाम में जब भी आप जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस से जाएंगे कि हाँ भाई मैंने तो ये चीज़ें की हैं और आपको एटलीस्ट ऑप्शंस एलिमिनेट करने तो आ ही जाएंगे इतना पढ़ के ऐसा तो है नहीं कि आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते यू कैन डू एवरी थिंग ट्रस्ट मी ऑन दैट नेक्स्ट वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पी एम दक्ष पोर्टल पी एम दक्ष पोर्टल के बारे में बताइए जरा ये शायद आपने कभी सुना हो अगर नहीं सुना है, तो अभी आप सुन लेंगे सो so, ये, ये क्लास कराने का मेरा मकसद ये कि मैं आपको बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग सी एक्स्ट्रा भी बताऊँ इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एमपावरमेंट द पोर्टल मेक द स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स एक्सेसिबल टू टारगेट ग्रुप लाइक एस सीज बैकवर्ड क्लास सफाई कर्मचारी सो क्या लगता है आपको येस एम्तिया थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट बेटे मनोज पीडीएफ मिल जाएगी पीडीएफ की चिंता ना करो आप सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस यस यहाँ पे इनके लिए बिल्कुल सही है तो आंसर क्या होगा सी मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ ये है पीएम दक्ष पोर्टल पहली बात तो ये किसका है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट चलो ठीक है अब यहाँ पे आप टारगेट ग्रुप देख लो कि किन के ऊपर ये फोकस करते हैं शेड्यूल कास्ट है बैकवर्ड क्लास है सफाई कर्मचारी इनको इनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए और बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ये चीज़ें देख रहे हैं हम लोग तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हाँ जी क्लियर हुआ इतना सो वी शुड बी नोइंग कि पीएम दक्ष पोर्टल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है सो आई थिंक यू शुड बी गुड टू गो इतना मुश्किल नहीं है वैसे फाइन चलिए आगे बढ़ते हैं ओके दिस वॉज ऑल ऑफ द न्यूज़ जायद तलवार ट्वेंटी ट्वेंटी वन नेवल एक्सरसाइज हुई सो इट्स अ बायोलिट्रल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड नेवी इट वॉज हेल्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ आबूधाबी So, बताइए जरा क्या लगता है वट डू यू थिंक शुड बी द राइट आंसर प्रिसाइसली वेरी गुड सो इट्स नाइस क्वेश्चन आई वुड से जायद जहां पे भी आ गया वहां इसराइल तो आएगा नहीं वहां आएगा यू ए ई -E. तो ये गलत होता है इसलिए येस, तो ये धाबी तो यह सही है तो बी इज द राइट आंसर क्लियर तो आप इतना अंडरस्टैंड करो यहां पर हो सकता है आप गलत आंसर कर रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है बट एग्जाम में यू नॉट सपोज टू आंसर रोंगे एग्जाम में तो सही आंसर करोगे ही एग्जाम में थोड़ी गलत करोगे सो एवरी वन इज़ वॉचिंग द सेशन डू लाइक द सेशन इफ यू फाइंडिंग इट यूजफुल इसको लाइक करिए अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है आप सबके लिए एवरी वन एंड द बेस्ट पर्ट इज़ कि आपकी ये जब आप लाइक करते हो लाइक वीडियोज़ में एड हो जाता है और आप लेटर ऑन इसको एक्सेस कर सकते हो ईजिली सो अगर आप लाइक करते हैं तो इट विल बी एडेड टू यू लाइक वीडियोज दैट्स अ फायदा विच यू गेट एनी वेज ऑनर्ड बाई दी एमन बॉल लोग ट्वेंटी कौन से व्यक्ति हैं, कौन से पुरुष हैं जिनको ये अवार्ड मिला बताओ जरा मैं इतना आपको हिंट दे देता हूं कि ये एक पुरुष है चलो अंबुज सागर राकेश अग्रवाल काजल चक्रवर्ती या फिर अहमद कमल वेरी गुड हां जी हां जी बताओ सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये काम करते हैं बिल्कुल और द आंसर इज काजल चक्रवर्ती सो so, ये काजल चक्रवर्ती इज एप्स्यूटली द राइट आंसर सी एम एफ आर आई में ये जॉब करते हैं सो दैट्स द रिसर्च इंस्टीट्यूट वेयर ही इज बेस्ड और गुड जॉब नाउ बिल्कुल मैं वही आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो हैं वो मतलब मैनेजेबल हैं लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस अपना बना कर रखना होगा नेक्स्ट वन चलिए विच टू सिटीज हैव बीन सेलेक्टेड बाय द यूनेस्को फॉर इट्स अर्बन जो लैंडस्केप है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट है उसकी मैं यहां पे बात कर करूँ सो आई थिंक यू शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर दिस वन बताओ जरा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट ये जो सबसे आसान है एमपी के ग्वालियर एंड ओरछा ग्वालियर एंड ओरछा यहां पर बिल्कुल सही जवाब है ये आई थिंक शायद ही कोई होगा जिसको ये आंसर ना आता हो एवरीबडी एंड मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं दे हैव गॉट अ बेसिक आइडिया अबाउट दिस पॉइंट चलो शाबाश नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन अगले क्वेश्चन पे आपको अग्रसर करते हैं एंड वी गो विद द नेक्स्ट वन बताइए जरा इंदिरा नेवी के बारे में दो स्टेटमेंट्स में पूछ रहा हूँ आपसे इट्स अ अट मेरी टाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी ज हेल्ड इन बाल्टिक सी, आई थिंक ये हमने डिस्कस भी किया था प्रचंड के लेक्चर में वट डू यू थिंक शुड बी द राइट आंसर ये मुझे बता दो आपको क्या लगता है बेटे शुड बी एब्सिल्यूटली करेक्ट थिंक एंड देन आंसर हां जी सो ये तो मुश्किल है ही नहीं वैसे मतलब इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वॉल चल एप्सल्यूटली बोथ आर करेक्ट यहाँ पे दोनों के दोनों करेक्ट सिंपल अच्छा ये बताओ नीरज चोपड़ा के बारे में यहां पे अलग अलग स्टेटमेंट्स है आपको तो पता ही है उन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है सो वी गॉट टू बी नोइंग समथिंग अबाउट हिम वॉट डू यू थिंक शुड बी द आंसर ही वन अ गोल्ड मेडल इन द मेन जैवलिन थ्रो इन टोक्योल्पिक्स ट्वेंटी 2020. आई थिंक दिस इज करेक्ट इज अ सेकंड इंडियन टू वन इंडिविजल गोल्ड मेडल बिल्कुल सही बात है अभिनव दो 2008 में जीता था इज द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन ओलंपिक मेडल इन द ट्रैक फील्ड बिल्कुल सही बात है नॉबन पिचार बहुत पहले थे ठीक है वो गए थे सो ऑफकोर्स तीनों के तीनों यहाँ पर मुझे सही लग रहे हैं ऑल ऑफ आर एप्सोल्यूटली द राइट आंसर चलिए क्लियर हुआ अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी इससे रिलेटेड है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आई फील यू शुड बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड बिल्कुल वो क्या है कि अब हमने सोचा है कि भाई हम लोग हर साल नेशनल जेवलिन थ्रो डे इंडिया में मनाएंगे तो आप मुझे बताएंगे कि कब हम लोग मनाएंगे वो डे हर साल एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का ये फैसला है तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अगर फैसला है तो उसमें कुछ तो बात होगी तो बताइए ज़रा हमने हर साल कौन से दिन मनाना है अब ये क्वेश्चन uh, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा इट इज़ सेवन्थ ऑफ अगस्त जिस दिन उन्होंने जीता मेडल उसी दिन हम लोग मनाएंगे सिंपल सी बात है ये तो दट इज़ सेवेंथ ऑफ ऑगस्ट ये देखिए ठीक है सो so, जो हमारे ये गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा जी इनको हमने मतलब एक तरह से ऑनर देने के लिए किया है सो यस इट वॉज ऑल ऑफ द न्यूज़ क्यों भाई सो आर यू लाइकिंग द क्वेश्चन आर यू फाइंडिंग द क्वेश्चन यूजफुल एवरी वन जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं रियली होप कि आपको ये यूजफुल क्वेश्चन जरूर लग रहे होंगे बिकॉज दैट इज द ओनली एम विच आई हैव मे बु नो यू शुड भी फाइंडिंग दीज क्वेश्चन आर यूजफुल चलो अगला क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ मैं आपको हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वेमेन टू विन टू ओलंपिक मेडल एट ओलंपिक्स दो मेडल जिनको ओलंपिक्स के लिए मिले ये आप मुझे बताएंगे वेरी गुड तो दो मेडल जीतना पहली बात तो कोई छोटी बात नहीं होता ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है सो so, ये आई थिंक आपको पता होना चाहिए यू शुड बी हैविंग अ क्लियर कट आइडिया इट इज़ एब्सोल्युटली पीवी सिंधु वाई रियो में भी जीता टोक्यो में भी जीता रियो में सिल्वर टोक्यो में ब्रॉन्ज बैडमिंटन खेलती बहुत शानदार सो ये आई थिंक यू हैव गॉट दिस थिंग बिल्कुल 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 समझ आ गया चलो अब यहां पे एक चीज़ याद रखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन वो क्वेश्चन ही अपने आप में एक पहेली है आप बोलोगे सर आप क्या पहली मांग रहे हो दैट इज ट्रू वो क्वेश्चन अपने आप एक पहेली इसलिए है क्योंकि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आपको आंसर शायद पता हो लेकिन What exactly एक्जैक्टली uh, is the point, you know, which I want to focus upon? वो शायद आपको ना पता हो वो आपको समझ आ जाएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ये बताइए Which city has become India's first water plus city? कौन सी भारत की पहली water plus city बनी है ये आप मुझे I think बता सकते हैं so do let me know, everyone. शाबाश। What do you think? भारत की पहली बेडे वाटर प्लस सिटी की मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ सो शुड बी इन अ पोजिशन टू ंडरस्टैंड दिस वन एटलीस्ट ऑल ऑफ यू हाँ जी चलिए बहुत बढ़िया सो देखिए आंसर एब्सोल्यूटली इज इंदौर चलो मैं मान लिया आपके बाद सबको पता इंदौर है क्या कोई मुझे इतना बता सकता है कि वाटर प्लस सिटी आखिरकार होती क्या है आई एब्सोल्यूटली गेट यूर पॉइंट आई रिस्पेक्ट यूर पॉइंट ठीक है मान लिया बट भाई वाटर प्लस सिटी है क्या ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तो चलिए आज मैं आपको वाटर प्लस सिटी बताता हूं ये आपको कोई नहीं बताएगा अब वाटर प्लस सिटी इज अ सिटी दैट मेंटेन्स द क्लीनलीनेस इन द रिवर्स एंड ड्रेन्स अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन पहली बात कि भाई जो आपके सीवेज है ड्रेन है वो क्या साफ रखते हो कि नहीं रखते हो अब जो आपका वेस्ट वाटर है जो हाउस होल्ड से आता है अब कहीं ना कहीं उसको ट्रीट करना जरूरी है फाइन अच्छा ऑल पब्लिक टॉयलेट मस्ट बी कनेक्टेड टू सीवेज लाइन ठीक है दे शुड बी क्लीन ऑफकोर्स एंड थर्टी परसेंट सिटी सीवरेज वाटर हैज बी रीयूज एंड रिसाइकल्ड ये होती है वाटर प्लस सिटी तो आप ये मानो कि अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो आप मतलब जो सिटी करेगी वाटर प्लस सिटी बनेगी तो भारत की पहली सिटी जिसने ये काम किया वो बनी इंदौर नाउ दैट क्वेश्चन मेक्स मोर सेंस टू यू डू यू अग्री हां जी बिल्कुल प्रसाद वो सही है डज दैट मेक मोर सेंस टू यू नाउ यही रीजन है मैंने क्वेश्चन पूछा आपको कि भाई वाटर प्लस सिटी होता क्या तो कुल मिला के वाटरबला सिटी मतलब भाई आपका जो सीवेज है वो ट्रीट हो रहा है वहाँ पे जो ड्रेनेज है वो क्लीन है आप क्या रिसाइकल करते हो तो आपसे ये क्वेश्चन तो ऐसे में पूछेगा वो जो आई ई साहब है वो आपके वो पूछ सकते हैं वाई कॉन्ट दे आस्क यू दे सर्टली कैन आस्क यू सो इसीलिए मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है कि एग्जाम में जब भी आपने जाना है यू हैव टू हैव दिस आइडिया इन योर माइंड दैट यस कि भाई हमने प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है ऐसा नहीं है कि हाफ आर डिलिटी चले गए जो भी चीज़ पढ़ो उसका मतलब तो कम से कम पता हो मैंने दस बच्चों से पूछा दस के दस ने आंसर नहीं किया कि भाई वाटर प्लस सिटी होती है तो मुझे ऐसा लगा कि कम से कम मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ ताकि आपको कम से कम पता चल जाए कि भाई वाटर प्लस सिटी का आखिरकार कंसेप्ट है क्या बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो दिस रिसेंटली इंडियन नेवी टुक पार्ट इन विच यू नेवी लेड एक्सरसाइज इन सिंगापुर यू नेवी ने एक्सरसाइज में लीड किया सिंगापुर में ये बताइएगा फटाफट से बता दो क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं होगा मतलब ये सेशन जो है बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे बट येस इतना मैं जरूर बताता हूँ दैट यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट पहली बात तो सी कैट होता गया है ये बताओ आप वॉट इज सी कैट ऑल अबाउट हाँ सी कैट इज द राइट आंसर ठीक है मैं समझ गया सब ज्ञानी है यू ऑल नो कि सी कैट इज़ द राइट आंसर बहुत बढ़िया लेकिन सी कैट क्या है इट इज़ साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग पहली बात तो ये है तो ये चीज़ तो वैसे साउथ ईस्ट एशिया की ही है एक लेकिन इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया दैट्स अ वेरी नाइस थिंग और इनफैक्ट फैक्ट यहाँ पर यही है कि साउथ ईस्ट एशिया में यू अपनी एक पकड़ जो बनाता है और यहाँ पर बहुत सारी जो नेवीज है वो पार्टिसिपेट करती हैं देखिए तो वो जो रीजन है पूरा का पूरा उसकी नेवीज यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करती हैं आई होप दैट हेल्प तो सी कैट के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग वी ऑल शुड बी वेरी प्राउड अबाउट अच्छा ये बताना जरा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी थीम जो आप मुझे बताएंगे

वट डू यू थिंक इज द राइट आंसर ठीक है सो आई रियली आई एम होपफुल दैट एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल गया होगा यहां पे कि ये क्या बोलना चाह रहा है बिल्कुल सही बात है कमर्शियल व्हीकल पंद्रह साल और यहां पर बीस साल ये दोनों के दोनों पॉइंट सही हैं बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट पॉइंट्स याद रखिएगा सो so यहां पे पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है उसकी ये पॉलिसी है नितिन गडकरी जी ने बहुत क्लोजली इसको डिजाइन किया है वी शुड बी हैविंग अ बेट ऑफ आइडिया कि हाँ भाई वॉट एक्जैक्टली इज दिस पॉलिसी टॉकिंग अबाउट वॉट इज दिस पॉलिसी ऑल अबाउट वी गॉट टू बी नोइंग दैट फाइन सो हमें यह आइडिया जरूर होना चाहिए कि यह पॉलिसी क्या है बिकॉज लेमी टेलि वन पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यह जितने भी इस तरह की पॉलिसीज आएंगी वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग कि भाई इसमें कुछ तो बात है सो डू ले नो अबाउट दिस थिंग बिल्कुल समझ आ रहा है इतना सो आई ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत बेसिक से है एंड यू शुड भी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड एक पर्सन इन न्यूज थे बहुत ज्यादा यहां पर मोहन बगान रत्ना अवॉर्ड की बात आई थी फाइन पोस्ट ह्यूमस्लिम को डेथ के बाद मिला तो वो कौन है व्यक्ति बताइए जरा थिंक अबाउट इट हु इज दैट पर्टिकुलर पर्सन ठीक है यस अंशिका डोंट वरी अबाउट दैट इट इज शिवाजी बेनर्जी शिवाजी इज द राइट आंसर ओके श्रीफा देखो मैं तो एक ही चीज चाहता हूं आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू गाइज यू नो दैट्स जस्ट जस्ट टू नो हाउ मच इज दिस सीरीज हेल्पिंग यू आई ऑनेस्टली डोंट नो आपको मतलब सो आफ्टर दिस क्लास आफ्टर दिस क्लास एंड्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अभी तो टाइम है क्लास खत्म होने में कि आपको आपका क्या रिव्यू है ऑनेस्ट रिव्यू आप बताना फाइन सो आफ्टर दिस क्लास एंड ओनली नॉट अभी क्लास जब खत्म होगी सो डू हैव वन मिनट इन योर हैंड आई एम श्योर सो डू लेट मी नो कि आपको ये सीरीज कितनी यूजफुल लग रही है अभी तो सीरीज बाकी है एनीवेज अभी हमने देखा यूनियन uh, कैबिनेट जो है दे अप्रूव्ड द एस्टेबलिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन विच यू टी कौन सी यूटी में उन्होंने uh, ये किया है बताइए जरा शाबाश सो आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा इट इज एब्सोल्युटली लद्दाख दिस वन इज इजी अब मैं हर तरह के क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे आसान क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं मुश्किल क्वेश्चन मुश्किल भी पूछ रहा हूं सो आई थिंक दिस इज व्हाट विल मेक द क्लास इंपॉर्टेंट दिस इज व्हाट विल मेक द क्लास वेरी इंटरेस्टिंग यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चलिए आगे बढ़े ये बताइएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दसी इंड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑन पब्लिक डिस्कलूजन रिपोर्ट तो ये इसके बारे में बताइए जरा क्या लगता है आपको वेरी गुड्स दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन दैट्स वेरी वेरी इजी एंड दैट्स वेरी टू द पॉइंट एज हाँ जी सो so, आई ये जितने भी पॉइंट्स पॉइंट इस तरह के आते हैं तो ये तो आपको पता ही होने चाहिए सो so, आप ये बताओ रिलीज किसने किया फाइन सो इट हैज रिलीज बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट पता है ना आपको एक है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट अगर आपको पता है तो सो so, नीति आयोग के इसमें कोई भी काम नहीं है सो ऑफकोर्स बी इज द राइट आंसर बेटे बट रिलीज करने का काम है सेंटर फॉर साइंस एंड एंडवायरमेंट सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर इन योर माइंड नाउ कि भाई रिलीज किसने किया है मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पे ये टाइप ही कर देता हूँ मैं ये देखिए दिस इज द रिलीजिंग अथॉरिटी जिसने इसको रिलीज किया तो इसने रिलीज किया नीति आयोग ने तो रिलीज़ नहीं किया है सो आई होप ना यू नो वाई बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन को सिर्फ आंसर करना काफ़ी नहीं है मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ क्वेश्चन को आंसर तो चलो आप कर ही दोगे बट वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि हम लोग क्वेश्चन को आंसर किस प्रकार से कर रहे हैं मतलब हाउ डू रीच टू द आंसर इट जस्ट अ फ्लूक और समथिंग कंक्रीट दैट इज नॉट मैटर जैसे अगला क्वेश्चन है बड़ा फैक्चुअल है ध्यान दीजिएगा इंडिया फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कौन सी स्टेट में खुला है यह आप मुझे बताएंगे पहला सो so, बताओ वेरी गुड आई डोंट थिंक ये कुछ ज्यादा मुश्किल है चलो इट इज एब्सोल्युटली एपसिल्यूटलीरला विच द राइट आंसर केरला यहाँ पर बिल्कुल सही 100 परसेंट जवाब है स्टेट ऑफ केरला स्टेट ऑफ केरला गॉड्स ओन कंट्री नेक्स्ट वन ये मैंने पढ़ाया था वैसे आपको द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडी गाउ इंडी गाओ की बात आती है तो उसके बारे में बताएगा देखो ये तो आपको पता है कि कैटल चिप है फाइन ठीक है ब्रीड वगैरह हमने मेंटेन करनी है अपनी जो इंडिजिनस है डेवलप बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक हैदराबाद बहुत बढ़िया प्योरली इंडिजिनस एंड लार्जली लार्जेस्ट कैटल जिप बिल्कुल सही बात है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऑल आर बी द राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भैया कोई बात नहीं अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन गलत भी हो जाता है डजेंट रियली मैटर वॉट मैटर इज कि आप उसको कितना बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करते हो एंड सेकेंड थिंग इज कि आपने ये सोचा कि नहीं कि वो गलत क्यों हुआ एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है एट टाइम्स पीपल डोंट इवन इंट्रोस्पेक्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड ट्रस्ट में दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आपको इंटरस्पेक्शन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कभी भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत होता है तो साथ के साथ देखते रहो सोचते रहो क्यों गलत हो रहा है नेक्स्ट वन विचअ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज कोंकण एक्सरसाइज कोंकण हुई थी ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये भी मैंने करवाया हुआ है तो अगर आपने अच्छे से रिवाइज़ किया तो ये आपको पता होगा अब आपको पता चला कि एक्सरसाइज जो है उनको रिवाइज करना कितना ज़रूरी है यू रियलाइज दिस पॉइंट चलिए इतना मैं आपको बता देता हूं कि ये इंग्लिश चैनल के उधर हुई है तो ब्रिटेन के पास हुई है ये बाल्टिक सी में तो नहीं हुई है वो तो रशिया करवाता है और इट्स अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यू ये भी गलत है तो क्या हो गया भाई डी इज द राइट आंसर दोनों के दोनों गलत हो गए बोथ द पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली रॉन्ग ओवर हियर दिस इज व्हाट यू गॉट टू बी नोइंग सो क्वेश्चंस आप देख रहे हो मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो मुश्किल है, सच नहीं होते वेरी वेरी टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफाइंग द आंसर अच्छा ये बताओ विथ द फॉलोइंग हैज विल द फर्स्ट कॉम्पोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एक प्रॉपर भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लेकर आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट uh, है ये आई थिंक यू शुड बी नोइंग एंड ये वैसे मैंने करवाया भी हुआ है वी डिड टॉक अबाउट दिस वन प्रिसाइसली इट इज एब्सोल्युटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसका एक प्रॉपर इंडेक्स लाया गया बाय आरबीआई क्वेश्चन मैं तो वैसे गिनता नहीं हूँ आप कैलकुलेट करते रहना कितने क्वेश्चन हो गए हैं all these questions which are very to the point very exam oriented questions do keep on counting that what all is being provided over here to all you guys clear next one godfather of sudoku ki mrityu hui aap batayenge ki bhai kon hai inme se godfather of sudoku कौन है Godfather of Sudoku? सो so ये तो आप बता ही सकते हो शाबाश ये तो मतलब I think हम सबको ही पता था इसके बारे में इट इज एप्सोल्यूटली सी विच इज द राइट आंसर बाकी का जी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है एप्सल्यूटली सो so, यहां पर सी बिल्कुल हमारा सही जवाब माना जाएगा बिल्कुल सो so, अभी तक जिसने सेशन को लाइक नहीं किया डू लाइक इफ ओनली इफ यू फाइंड इट यूजफुल सो दैट इट गेट एडेड टू यू लाइक वीडियोज डू शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एज वेल देखो द नेक्स्ट वन ग्रुप ऑफ बॉटनली डिस्कवर्ड एलगल स्पीशी विद अम्रेला हेड फ्राम विच द फॉलोइंग आइलैंड भारत के किस आइलैंड से ऐसी इतनी सुंदर एल्गी मिली है यू जस्ट हैव टू टेल मी बाकी हम संभाल लेंगे बताओ ये सारे क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं उसी हिसाब से जैसे कि करंट अफेयर्स हमने यहां पर किए थे सो ये इंपॉर्टेंट है बताए ऑफकोर्स इट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बेटे ही वॉज जापनीज ऑफकोर्स बाकी वाज जापानीज सुडोकू जो जापानीज पजल है वो पूरी मैथ्स वाली दैट जापनीस दैट्स दैटी फाइन नेक्स्ट वन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म इज करेक्ट इंडियन कोलेबोरेशन विद यू केज लॉन्चड इट्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म शो द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीस कीपर्स तो बताइए जरा क्या लगता है आपको सही होना चाहिए गुड जॉब यू गायज अ डूइंग अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है यूनाइट अवेयर के बारे में आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था वी ऑल डिड टॉक अबाउट दिस थिंग अब आपको बस इतना पता होना चाहिए यहाँ पे दैट इट इज़ यू एन नॉट यू के और ये दूसरा तो सही लग रहा है तो बी हैज़ टू तो बी द राइट आंसर भाई बी होगा सही जवाब और क्या है हाँ जी चलो ये बताना जरा विच कंट्रीज गोना होस्ट द सेकेंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन कांग्रेस इन अक्टूबर 2022 अक्टूबर के महीने में हम लोग करेंगे इसका गोल क्या होगा टुवर्ड्स जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज ये इसका बेसिकली गोल होगा या थीम होगा कुछ भी आप बोल सकते हो uh, तो ये एक थीम है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऊपर सो इट हैज टू बी इंडिया इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लेकिन इंडिया में कहाँ पे विथ सिटी मैं ऑप्शंस देता हूँ आपको हैदराबाद बेंगलोर दिल्ली मद्रास मतलब चेन्नई वॉट यू थिंक भारत में कहाँ पर भारत तो बहुत बड़ा है सो भारत में कहाँ ये आप बताओगे मुझे दिस इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू बी टेलिंग मी आप सेट इज हैदराबाद हैदराबाद इज द प्लेस तो इतना ध्यान रखिएगा हैदराबाद में ये होगी और चाइना में अभी हुई थी फर्स्ट टाइम तो इसका फर्स्ट एडिशन 2018 में हुआ था अभी दो चार साल बाद होगा इंडिया में तो फर्स्ट इसका एडिशन हुआ था चाइना में कब 2018 में और नेक्स्ट टाइम ये 2022 में अक्टूबर में काम हो रही है इंडिया में सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये इसका पॉइंट जरूर ध्यान में रखेगा सो so ये हैदराबाद में हो रही है पहली बार जो हुई थी वो चाइना में हुई थी तो so वही बात है कि मतलब ये हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं द लिमिट फर्स्ट तो इतना दिक्कत यहां पर नहीं होती हाँ जी क्लियर हो गया अगला जो क्वेश्चन है वो फिर से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है लेट मी सी हाउ मेनी यू कैन गेट इट राइट

ए फॉर आदि कैसकेड इजेटेड इतना याद रहेगा बस ये आपने थोड़ा सा याद रखना है तो आप बिल्कुल बेटे वो एम पैंताली वेस्टर्न घाट में मिला था वो अलग था ये अलग फ्लॉग है क्लियर अब आप पूछोगे सर इसका नाम ऐसा क्यों रखा है पता है आपको यहां पर इसका जो नाम रखा गया उसके पीछे भी कहानी है वो मैं कहानी आपको बता देता हूं कहानी एज ए मतलब रीजन वाई हैव डन दैट देखो अब यहां पे ये जो फ्रॉग है आदि कास्कट फ्रॉग इट इज बी आफ्टर आदि ट्राइब यहां पे आदि हिल्स है ना सो लिटरल मीनिंग क्योंकि कई बार ये भी पूछ रहे थे कि इसका नाम आदि क्यों है और बाकी आपको याद रखने में भी ईजी रहेगा इट इज सर्टली गोन बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर दिस एज वेल क्यों भी क्लियर हुआ सो इज द जोश एवरी वन आई कैन सी द जोश ड्रॉपिंग काइंडली डोंट लेट द जोश ड्रॉप आई रियली होप कि यू कैन मेंटेन दिस जोश वेरी वेल क्योंकि अब तो फ्रॉग भी आ गया आपका जोश बढ़ाने के लिए अब तो हार नहीं माननी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग अभी चलते हैं इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन ज़ायर अलबार तो बताइए किसके साथ पार्टिसिपेट किया वेरी गुड जाायर अलबार तो मैंने आपको क्या बताया था जायर फाइन अरबार तो अब जायर अल बार किसके साथ है ये बताओ फिर नसीम अल बार भी मैं पूछ लूंगा एक साथ हम लोग देखेंगे ताकि आपको बढ़िया से समझ आ जाए तो so फटाफट से बता दो जरा यू थिंक इज द राइट आंसर जायर अल बार विद कतार जायर कतार नसीम नसीम इज ओमान फाइन सो यहां पे सी इज द राइट आंसर जायर का होगा कतार नसीम विद ओमान अगेन दैट्स अ स्मॉल ट्रैक फॉर यू टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ल्ड ये एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको यहाँ पर हेल्प करता है इसको याद रखने के लिए चलो जी क्यों भाई समझ आ गया इतना सबको सो इफ द जोशिज हाई डू शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स सभी फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर जरूर से कर दीजिएगा चलो आगे बढ़ते हैं यू टेल मी अबाउट द युक्ताधारा पोर्टल ये युक्ताधारा पोर्टल तो पढ़ा है आपने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च इट इट विल्थ न्यू मनरेगा एसेट यूजिंग रिमोट न्यू पोर्टल अंडर भूवन वॉट डू यू थिंक इज द राइट आंसर बताइए शाबाश। सो कौन सी मिनिस्ट्री आपको लगता है वैसे होगी अच्छा ये बताओ मनरेगा जो है मतलब इसकी देख रेख भी कर रही है तो क्या आपको लगता है कि मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर सकती है आई फील इट्स नॉट पॉसिबल इट हैज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिस इज वॉट आई फील एंड आई थिंक ये सही होगा तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट होगी पहला गलत है पहला तो एलिमिनेट ही आप कर दो और सेकेंड और थर्ड इज द राइट आंसर सो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट सी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है समझ में आया कि नहीं आया सेशन को 500 लाइक्स तो मिलने ही चाहिए सो आई फील दैट यू ऑल कैन डू दैट डू शेयर द सेशन डू लाइक इफ यू फाइंड यूजफुल एंड आई एम श्योर वी विल बी ओवर देयर सो अभी तक हमने जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स किए हैं आई रियली होप कि आपको उससे एक बेसिक जो क्लैरिटी है वो तो मिली गई है और वही क्लैरिटी जो है वो एग्जाम क्लियर आपको करने में हेल्प करती है अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है चलिए उस पर चले विच इंस्टीट्यूट इज डेवलप फर्स्ट इंडिजिनियस मोटराइज्ड व्हीलचेयर कॉल्ड नियो बोल्ट सो नियो बोल्ट व्हील काफी न्यूज में थी तो बताइए जरा किसने किया है इसको डेवलप हाँ जी सो so, ये तो ईजी है वैसे शाबाश इट इज ई टी मद्रास सिंपल था एकदम आई आई टी मद्रास इज द राइट आंसर अभी हमने मतलब काफी सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस किया आप ये सोचो कि बाय द एंड ऑफ द प्रचंड आपके पास कितनी ये नॉलेज होगी प्रॉपर जिससे आप कोई भी क्वेश्चन जो है उसको हल कर सकते हैं नेक्स्ट वन फर्स्ट इंडियन टू गेट यूएसए का सिविलियन अवार्ड दैट इज कॉन्ग्रेसनल गोल्ड मेडल पहले भारतीय बताइए फर्स्ट इंडियन गुड जॉब सो आई थिंक ये तो इतना मुश्किल में से होना चाहिए नहीं आपके लिए बट स्टिल बताइए पहले ऐसे भारतीय इट इज़ महात्मा गांधी सो so महात्मा गांधी फर्स्ट वन ये भी काफ़ी न्यूज़ में था अच्छा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग दिस इंडेक्स का नाम सुना है आपने एवरी वन सर्टी न्यूज़ अबाउट दिस थिंग चलो तो ये बताइए ज़रा ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ सो वॉट डू यू थिंक मतलब यहाँ पर सही होना चाहिए इज इट रिलीज बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडिया रैंक सेकेंड यू एस ए टॉप द इंडेक्स क्या लगता है हाँ जी वेरी गुड देखो इसमें टॉप पे पहली बात यूएसए नहीं होगा चाइना होगा फिर इंडिया आएगा फिर यूएसए आएगा तो पहले तो आप ये चीज़ क्लियर कर लो तो इंडिया इज रैंक सेकेंड ये बिल्कुल सही है यूएसए एस टॉप के बिल्कुल गलत है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तो रिपोर्ट है ही नहीं मेरे हिसाब से ए ए शुड बी बी द राइट आंसर पर हैज़ आप याद रखेगा फाइन। तो मतलब हमें ये छोटे छोड़ छोटे पॉइंट्स को याद रखना है कि हाँ रैंकिंग यही है नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री क्यों भाई समझ आया सो इस तरह से मतलब अगर हम लोग सही तरीके से अंडरस्टैंड करें तो ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान है आई एम श्योर आप सब लोग आंसर कर पाओगे एक ऐसा ऑपरेशन जिसने अफगानिस्तान से सबको बाहर निकालने में मदद की बताइए जरा जो भी हमारे लोग फंसे हुए थे और भी जो ह्यूमैनिटेरियन एक रिलीफ चाहिए थी उसको करने में हेल्प किया सो बताएंगे आप शाबाश वन कैन सर्टली लेट मी नो अबाउट दिस वन देखो ऑपरेशन गंगा तो नहीं है इट इज ऑपरेशन देवी शक्ति ऑपरेशन देवी शक्ति ऑपरेशन जीत भी यहां पर uh, को जीत वगैरह वो जो था वो कोविड से रिलेटेड था तो इट इज ऑपरेशन देवी शक्ति इट्स क्वाइट ईजी वन दैट इज वेरी वेरी इजी नेक्स्ट वन यूनिस्ट ऑफ फाइनेंस ने ईज फोर पॉइंट ओर रिलीज किया ईज किसके साथ एसोसिएट होता है किसके साथ हम लोग देखेंगे ईज इज एप्सोल्यूटली एसोसिएटेड शाबाश मैं ईज की बात कर रहा हूं यस चलिए बिल्कुल ईज वन ईज टू ईज थ्री ईज फोर इट इज पब्लिक सेक्टर बैंक का रिफॉर्म एजेंडा है दैट्स क्वाइट एन ईजी वन पब्लिक सेक्टर बैंक का जो रिफॉर्म एजेंडा है दैट इज वेरी मच एसोसिएटेड विद दिस वन ये तो ईजी था सी ये बताना विच एयरपोर्ट हैज बिन रीनेम्ड एज ए महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब एयरपोर्ट रीनेमिंग की बात है सो आई फील ये तो आपको पता ही होना चाहिए एवरी वन शुड बी वेरी क्लियर इन योर अप्रोच हाँ जी थिंक अबाउट वेरी गुड सो देखो क्वेश्चन सारे के सारे रेलिवेंट है वैसे तो मतलब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको आंसर करते हैं चलिए इट इज हिसार एयरपोर्ट ऑफ हरियाणा हिसार एयरपोर्ट था आंसर फॉलोइंग इॉलिंग रिगार्डिंग द फिफ्टी एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण सूर्य किरण भी मैंने आपको करवाई है तो आप बताएंगे मुझे वॉट इज द राइट आंसर हाँ जी सो दीज आर वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन बेटे मतलब ये क्वेश्चन वो नहीं है जो बहुत मुश्किल है दीज आर द क्वेश्चन विच एवरी वन शुड बी इन अ पोजिशन टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आंसर अकॉर्डिंगली डिफिकल्टी लेवल इज मॉडरेट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ इंडिया नेपाल सब लोग जानते हैं ये और पिथौरागढ़ सब लोग जानते हैं सी इज द राइट आंसर बहुत आसान था ये क्वेश्चन मतलब दिस इज द क्वेश्चन ट्रू क्लियर दोज पीपल नॉट लाइक डू लाइक द सेशन इफ यू फाइंडिंग इट यूजफुल डू शेयर इट एज वेल वर्ल्ड बैंक कहते अभी हम लोग ये रिपोर्ट को कंटिन्यू नहीं करेंगे <laughs> like well. oh. well. <laughs> कौन सी रिपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है वी आर टॉकिंग अबाउट विच रिपोर्ट ओवर है शाबाश सो आई थिंक ये तो सबको ही पता है एवरी वन इज वेरी क्लियर अबाउट दिस वॉइट इट इज़ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो रही थी लेकिन उसको इन्होंने मतलब ये सोच लिया कि अब हम लोग नहीं कंटिन्यू करेंगे सो येस दैट्स हाउकेटेड चलिए शल वी मूव अ हैड आगे हम लोग बढ़ते हैं अब uh, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन द ओनली रीजन इज यहाँ पे ये Uh, जो पूरा का पूरा इंडेक्स है वो काफ़ी ज्यादा न्यूज़ में था तो उसके ऊपर मैंने पूरा क्वेश्चन फ्रेम किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 इट वाज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक इंडिया क्लाइम टू स्पॉट टू रीच 46 स्वीडन हैज बीन रैंक फर्स्ट सो ये बताइएगा जरा चलिए यहाँ पे आई uh, फील ये तो आपको शायद पता ही होगा इसके बारे में ये बताना जरा टॉप पे है कौन वैसे चलो ठीक है इंडिया का रैंक तो मान लिया फाइन इंडिया ने अपनी रैंकिंग थोड़ी सी सुधार के 46 तक पहुंच गया बहुत बढ़िया सेकंड सही है तो लेकिन रैंक वन पे स्वीडन है नहीं रैंक वन पे कौन है ये गर्द स्विट्जरलैंड फाइन सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग और इसको वर्ल्ड बैंक भी रिलीज नहीं करता है तो इसको रिलीज आखिरकार करता कौन है हु रिलीज दिस इट इज़ वीपो मैंने आपको ये बताया था ना एक दो दिन पहले वीपो इसको रिलीज़ करेगा जो कि खुद स्विट्जरलैंड बेस्ड है सो so, ये ए यहां पर सही जवाब हो गया फाइन नाउ इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं अभी भी पूछे जाते रहेंगे ये ध्यान रखिएगा चलिए एक और रैंकिंग के ऊपर ही क्वेश्चन है आई फील यू शुड बी एबल टू आंसर दिस वन दे गो थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स द इंडेक्स हैज भी डेवलप बाई नीति आयोग अमंग द लार्जस्ट स्टेट गुजरात इज अ टॉप रैंकिंग स्टेट्स बताइए क्या लगता है गुड जॉब सो ये आई थिंक आपको पता होगा सुना तो होगा आपने आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग इट इज ऑफकोर्स एफ एस एस ए आई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करेगी नीति आयोग के इसमें कोई काम नहीं है अमंग्स द लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफकोर्स गुजरात इज द वन जो कि टॉप पे है जैसे यूटी में आपने देखा है जम्मू एंड कश्मीर है तो ये भी मैंने आपको बताया था फाइन सो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहां पे बी इज द राइट आंसर सिंपल पॉइंट क्लियर चलिए नेक्स्ट वन विच कंट्री विद विच कंट्री यूनाइटेड स्टेट रिसेंटली अनाउंस अटल पार्टनरशिप फॉर इंडो पैसिफिक रीजन ये नाम भी मैंने आपको बताया था याद रखने का तरीका भी बताया था सो आई फील शुड बी एबल टू आंसर दिस वन ये तो भाई आपको पता ही होना चाहिए ऑल ऑफ यू गुड जॉब सो ये मतलब बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं इट इज़ ऑकस ए यू के यू एस सो कौन कौन होगा यू के ऑस्ट्रेलिया और यू एस ऑकस सो ऑकस की मैंने बात की थी सो आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट चलिए समझ आ गया नेक्स्ट वन लेट्स टॉक अबाउट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन फैक्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की मैंने चर्चा की थी तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन इंडिया के ऊपर वी ओवर द स्टेटमेंट्स In September 2021, Kovalam Beach Beach of of Tamil Nadu, Puducherry were awarded Blue Flag Certification. This is India India now 14. No, India have got 10 Blue Flags, जो हम लोग बात करते हैं बीचेस तो ये तो यहाँ पर गलत हो रहा है वेरी बेसिक वन The अवॉर्डेड awarded द डेनमार्क बेस एफ ई बिल्कुल यहाँ पर सही बात है सो so, ये second तो यहाँ पर गलत हो जाएगा सो so, मेरे हिसाब से वन और थ्री शुड बी द राइट आंसर सी इज द राइट आंसर गेटिंग दिस क्वेश्चन मतलब आप ये सोचो दे आर ऑल मैनेजेबल ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं कि भाई आप आंसर ही ना कर पाओ दीज आर द काइंड ऑफ द क्वेश्चन विच वेरी वेल यू कैन बी मैनेजिंग बस वही बात है कि एक आपको जज्बा चाहिए कि आप कैसे वहाँ पर वो सारी चीज़ें कर पा रहे हैं दैट्स दैट्स वेरी मच ठीक है मैंने ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने सिक्सटी परसेंट चीज़ें यहाँ पर मैं जो भी आज पूछ रहा पूछूँ पढ़ाई हुई हैं मतलब हाँ कुछ चीज़ें मैंने नहीं भी करवाई होंगी तो वो आपके ऐड एड, हो जाएंगी उसमें बस मतलब आप इतना याद रखिए अगर बाई चांस कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं करवाई हुई तो ऐड हो जाएगी कोई बड़ी बात नहीं है हु इज द हेड ऑफ द कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ एन सी सी नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स की जो रिव्यू कमेटी है उसके हेड में यहाँ पे पूछ रहा हूँ सब बताना जरा एवरी वन वट डू यू थिंक शुड बी द राइट आंसर गुड जॉब सो ये तो बहुत ईजी है वैसे मतलब दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन ठीक है अब यहां पे मैं चेयरपर्सन पूछ रहा हूँ इसलिए बेजंत पांडा इज द राइट आंसर बेजंत पांडा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सही जवाब है बिकॉज आई एम आस्किन यू पार्ट द चेयरपर्सन हाँ चेयरपर्सन की अगर मैं ना बात करता तो अलग बात थी बट मैं मेम्बर्स तो पूछ ही नहीं रहा मैं चेयरपर्सन पूछ रहा हूँ सो दिस इज हाउ यू हैव टू बी आंसर ये एक तरीका है इसको आंसर करने का समझ आया इतना चलिए सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन से इज विच कंट्री पार्टिसिपेट विद इंडिया थर्ड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज समुद्र शक्तिज कोर्स इंडोनेशिया आई थिंक ये आंसर यहाँ पे शो हो गया है इंडोनेशिया इज एब्सोल्यूटली द राइट आंसर क्या है बेटे यहाँ पे इंडोनेशिया क्वाइट एन इजी वन रादर आई वुड से चलो नेक्स्ट वन ये बताइएगा हु इज द हेड ऑफ द नेशनल स्टेयरिंग कमिटी काउंसिल बाय द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फॉर डेवलपिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बधाई क्या लगता है सो वी आर ऑलमोस्ट डन आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया मेक श्योर यू शेयर द सेशन एंड टू लाइक द सेशन एज वेल इफ यू फाइन इट यूजफुल एवरी वन सो इट इज़ ए कस्तूरी रंगन ए कस्तूरी रंगन इज द राइट आंसर देखो सिर्फ कोई पॉलिसी लाना ही कोई बड़ी बात नहीं है उस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है तो आप जब तक उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तब तक कोई भी फायदा नहीं होगा ये फैक्ट की बात है तो यू ऑल्सो द इंप्लीमेंटेशन इसलिए ये हमने यहां पर किया है आई होप इट हेल्प चलो नेक्स्ट वन जस्ट अ फ्यू क्वेश्चन लेफ्ट नाउ विच स्टेट ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल किसने हिमालयन फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया हां थिंक अबाउट इट इट इज ब्यूटिफुल यूटी ऑफ लद्दाख यह मैंने बताया था आपको लेह लद्दाख इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन्सो चलिए यह बताना जरा नेक्स्ट वन हुज बिन कॉन्ट फॉर द एस डी जी प्रोग्रेस अवार्ड बाय द यू एन स्पॉन्सर्ड सस्टेमे डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क बताइए गुड जॉब यू गायस आर डूइंग तो यहाँ पे तो एक परसेंट भी डाउट नहीं होगा किसी को आई एस दैट इट इज एब्सोल्युटली बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना अब नहीं आंसर शो हो रहे बेटे बीच में हो रहे थे शो मैंने ग्लिच वो हटा दिया है देर वॉज अ बिट ऑफ ग्लिच फेयर एनअ चल अच्छा आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी इसके बारे में जरूर सुना होगा आई एन एस इट वॉज ऑल ओवर द न्यूज़ आई एन ध्रुव के बारे में आपने सुना जरूर होगा तो उसके ऊपर ही मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आई होप यू आर एबल टू आंसर दिस वन बताइएगा इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट इन न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप इट इज़ बिल्ड बाई हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड बताइए ज़रा आई एन एस ध्रुव की बात हो रही है सो इट वॉज ऑल ओवर द न्यूज़ दैट्स रीजन आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन नहीं तो शायद मैं नहीं पूछता चल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तो बनाया है बिल्कुल बट वॉट एल्स बहुत सुंदर शिप है वैसे तो आपको पता होगा अगर नहीं देख देखा है कभी तो मैं दिखा भी दूंगा आपको ये ये देखिए दिस इज द ब्यूटिफुल शिप आई एम टॉकिंग अबाउट फाइन सो इट इज़ बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट ये है आई एन एस रूफ आपके सामने बोथ आर करेक्ट बेटे सी इज़ द राइट आंसर सो आप यहाँ पर बिल्कुल देखिए इसको एक बहुत शानदार जो शिप है इसको बनाया गया और ये कन्वेंशनल शिप नहीं है वैसे तो उस हिसाब से ही इसको आप अंडरस्टैंड करिएगा सो ये आई एन एस प्रूफ है आप सबके सामने ये दिस वन कैन यू सी दैट श्योर नेक्स्ट वन विच आर फॉलोइंग वॉज कॉन्फर्ड हु फ्लोरेंस एट एंगल अवॉर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी बताइए जरा शाबाश सो आई थिंक ये आप आंसर कर पाएंगे इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन चलिए इट इज एब्सोल्युटली ब्रिगेडियर एस वी सरस्वती ब्रिगेडियर एस वी सरस्वती यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है so, ये भी आपको पता चल गया सो so, मतलब माय ओवरऑल कंटेक्स इज़ वेरी सिंपल कि एटलीस्ट हम लोग ये जो पॉइंट्स हैं इनको कम से कम माइंड में रख के चले बिकॉज आई विल टेल यू समथिंग कि ये सारे के सारे जो आइडियाज हैं ये इतने मुश्किल नहीं हैं बर दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट वन बट हाँ इतना जरूर है कि हम लोग उससे एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग जो है वो जरूर पा सकते हैं मतलब वी कैन सर्टली डू दैट ऑल द टाइम चलो नेक्स्ट वन विच मिनिस्ट्री लॉन्च बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम की मैं यहाँ बात कर रहा हूं बताए so, आपको ही पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने हैं सो वाई नॉट प्रिपेयर देम वेल इन एडवांस चलिए तो so, अगर हम वेल इन एडवांस इसको प्रिपरेशन करते हैं तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू दैट्स अ फैक्ट इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ वन कल्चर देखिए बुजुर्ग के बता देश के साथ मतलब बुज़ुर्ग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें बच्चों के साथ जवानों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो रखें उसको सामने लाएं और उससे क्या होगा इंस्पिरेशन मिलेगी आप सबको एक बहुत बेहतरीन इंस्पिरेशन मिलेगी मतलब ऐसा माना जाता है और आई थिंक ये बहुत सही बात बोल रहे हैं और ये होना ही चाहिए क्योंकि आप ये सोचो कि उनकी पूरी जिंदगी में कितना उनको एक्सपीरियंस होगा और अगर आपको उससे कुछ गेन करने को मिल रहा है तो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट थिंग ये तो फैक्ट है फाइन तो मतलब हमें उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए मतलब आई ऑनेस्टली फील दिस थिंग एंड इससे बेहतर शायद ही कुछ हो सके चलो नेक्स्ट वन गोज ऑन स्क्रीन वेयर हैज़ बीन मेड इन इंडिया हाई कोल गैसिफिकेशन बेस मिशन प्लांट सेटअप गुड जॉब क्या लगता है सो ये तो मतलब पॉइंट्स ऐसे है ही नहीं कि आपको समझना है मतलब दीज आर वेरी बेसिक वंस यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड चलो सो जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट कीप द जोश सो द आंसर इज भेल हैदराबाद ए एब्सोल्यूटली इज द राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है ए शरी मस्टर फ्यू मो टू गो आई रियली आई एम होपफुल दैट आप सब कोई जोश को बहुत हाई रखेंगे वाई बिकॉज ओनली वैन यू कीप द जोश हाई मुझे भी ऐसा लगेगा कि ठीक है यू आर फाइंडिंग दिस एक्सरसाइज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड आई शुड ब्रिंक मोर ऑफ दैम मुझे कहीं ना कहीं और ज़्यादा इस तरह की जो एक्सरसाइजेज है वो आपको करवानी चाहिए क्योंकि देखो कुल मिला के वॉट मैटर्स इस एग्जाम में वही सक्सेसफुल है जिन्होंने मैक्सिमम चीज़ों में प्रैक्टिस की हैं वो कहते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा बेहतरीन होते जाते हो तो आपने बस वही चीज़ करनी है एंड ट्रस्ट मी यू ऑल आर केपेबल ऑफ विनिंग दिस एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते लेकिन आपको थोड़ा सा इसके अंदर बहुत ही स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन गुज ऑन स्पीच अब हम बहुत स्विफ्ट तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं सो so, उससे पहले फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दो

राइट आंसर सो इज इज इंस्टीट्यूट फॉर सेमी ट्रॉपिक्स इन हैदराबाद मानते हो इज ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट किताब है आई फील ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रही थी सो ये बताइए एक ऐसे व्यक्ति जिनको आप सब जानते ही हो जस्ट फ्यू मोर क्वेश्चन फटाफट से बता दो इट इज श्रीमान सुब्रमण्यम स्वामी

सो so, कौन से क्वेश्चन कौन सा स्टेटमेंट सही है इट व इंडिया एंड श्रीलंका इट वॉज हेल्ड इन द सदर यहाँ पे साउथ चाइना सी तो देखो सिम्बेक्स की जहाँ पर भी बात आती है पहली बात तो हम लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए इट इज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर तो यहाँ पर सिंगापुर की बात आएगी श्रीलंका की तो बात ही नहीं आएगी ये गलत है ऑफ कोर्स यहाँ पे ये यह सही है बी इज द राइट आंसर सेकंड स्टेटमेंट सही है तो इट इज विद सिंगापुर नॉट श्रीलंका समझ आया नेक्स्ट वन द फॉलोइंग इज नॉट रेसिपिएंट ऑफ रेमन अवार्ड फिरदौसी कादरी बिल्कुल सही रेसिपियम का मोहम्मद ये पाकिस्तान के हैं ये बांग्लादेश के हैं रॉबर्ट बलून को भी मिला था लेकिन शुगी बेन को कैसे मिल सकता शुगी बेन book. Book है ये तो फाइन किसने लिखी है ये आप कमेंट करके बताएंगे मुझे शुगी बेन को तो नहीं मिल सकता तो दैट इज सी विच इज द राइट आंसर सी इट्स अ फनी क्वेश्चन बट इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन जिसने शुगी बेन के बारे में पढ़ा है वो एटलीस्ट इस ऑप्शन को एलिमिनेट ईजिली कर सकता है नेक्स्ट वन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज रिपोर्ट 2021 किसने रिलीज किया इसको फटाफट से बता दो किसने इसको रिलीज किया है क्विकली डू ले नो शाबाश नॉट अ डिफिकल्ट वन शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर दिस चलिए सो ये काफी इजी है वैसे तो सो मी टेल यू द आंसर इज सी बोटानिक्स गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो कि एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक यूके में स्थित ब्रिटेन स्थित ऑर्गेनाइजेशन है सो so आपको यह बात पता होनी जरूरी है ऑल ऑफ यू चलो नेक्स्ट वन गोज ऑन यू स्क्रीन वो बिगेम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक गेम्स पैरालंपिक गेम्स पे गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है बताओ जस्ट सिक्स सेवन मोर क्वेश्चन फटेवर से बता दो गुड जॉब इट इज अवनी लिखारा शूटिंग में मास्टर है भाई अवनी लिखारा इंस्पायर मानक अवार्ड गिवन बाय विच द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ये भी मानक अवार्ड्स भी मैंने पढ़ाए हुए हैं सो बताइए जरा क्या लगता है सो ये इतना वैसे मुश्किल होना नहीं चाहिए आपके लिए आंसर करना बिकॉज वी हैव डन दैट प्रिसाइसली इसको हमने काफी अच्छे तरीके से किया हुआ है इट इज ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक देखो साइंस एंड टेक की जब बात आती है रिसर्च की बात आती है तो उसके साथ ही एसोसिएट करके देखेंगे सो आई फील ये आपको पता होना चाहिए हाँ जी चलो अब अगला जो है वो एक मिलिट्री uh, एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है सो आई फील ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं सो द क्वेश्चन इज क्वाइट ईजी इट इज बेस्ड उन् काजिंद इट वॉज नाइन्थ एडिशन ऑफ द इंडो कजाकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइज इट वॉज कटेड इंडिया नो कजाकिस्तान में हुई थी बिटवीन इंडिया कजाकिस्तान आर्मी बिल्कुल सही बात है नोव एडिशन था कि कौन सा एडिशन था बताइए इट वॉज द इट इज टफ वन वैसे फिफ्थ एडिशन था अगर आपने याद हो तो ये ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो इट इज ए एच इज द राइट आंसर क्यों भाई समझ आया वाई ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन ट्वेल्थ डिफेंस एक्सपो कहां पर होना है इसका एडिशन डिफेंस एक्सपो सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज ऑफकोर्स इट इज बी देयर इन गुजरात इजी क्वेश्चन नेक्स्ट वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट कलर किसको प्रोवाइड किया आई एन एस दबा डीआरडीओ नेवल एवियशन या फिर नेवल साइंस एंड टेक लेबोटरी बताइए जरा किसको मिला ये एक बहुत बड़ी चीज होती है डू यू थिंक थिंक अबाउट जस्ट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस टू गो एप सेटेज नेवल एविएशन ना आई मेज ए वन थिंग यू ऑल हैव डन अ ब्रिलेंट जॉब नो डाउट अबाउट इट लेकिन अभी स्टोरी थोड़ी सी बाकी है सो आई रियली होप कि आप सब लोग अभी टिके रहेंगे आप सब लोग इसमें बने रहेंगे एनीवेज सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज ऑन यू स्क्रीन ऑन वन ट्वेंटी बर्थडे ऑफ होम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केम अप विद अ स्पेशल कॉइन स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी प्रबुध गणपति शास्त्री या स्वामी विद्या सो इस्कॉन टेम्पल पता है आपको तो स्कॉन टेम्पल जो इस्कॉन मूवमेंट है उसके साथ जुड़े हुए प्रबुद्ध वन ट्वेंटी फाइव रुपीज़ का वो जो कॉइन है स्पेशल कॉइन इन्होंने रिलीज किया अभी इसका राइट आंसर अच्छा कौन से रेलवे स्टेशन को अभी एक ईट राइट स्टेशन की सर्टिफिकेशन दी गई है एफ के द्वारा ये बता दो फटाफट से किसको मिली है ये सर्टिफिकेशन जस्ट थ्री मोर क्वेश्चंस टू गो कीप द जोश हाई एवरीवन फटाफट से बता दो शाबाश इट इज एब्सोल्यूटली चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बताया था आपको मैंने नेक्स्ट वन जो वेब वर्जन ऑफ ई गोपाल एप्लीकेशन बिन डेवलपालास्ट क्वेश्चन कौनसे स्टेडियम को नीरज चोपड़ा स्टेडियम का नाम दिया गया क्वेश्चन ऑफ द डे फटाफट से बता दीजिए आई कीप अप दूस एवरी सिंगल पर्सन आउट द की टिल इट इज भाई पुणे के अंदर बेस है इट इज आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम दैट सेट सो अभी तक भी अगर आपने लाइक नहीं किया डू लाइक इफ यू फाइंड इट यूजफुल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका ऑनिस्ट रिव्यू क्या है इसको लेके इज इट यूजफुल आफ्टर द कमेंटर अफकोर्स आफ्टर से आफ्टर द सेशन एंड्स मतलब पांच मिनट बाद इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताना एंड यहाँ पर आपको पी डी एफ मिलनी है आकाश जी की बूस्म बी गेटिंग द पी डी एफ

यू गेट ट्रेप लीवस यू गेट हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर्स करंट अफेयर की मैगजी सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा सो आई थिंक दैट समथिंग विच यू वॉन्ट राइट नाउ डाउट क्लियरिंग से लेकर क्वेज क्विज से लेकर मॉकटेस एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू सो ट्रस्ट मी दिस इज वॉट यू नीड एट दिस पॉइंट एन टाइम सो आप तीन महीने छह महीने नौ महीने इवन अठारह महीने के लिए इसको ले सकते हैं एंड ट्रस्ट मी इट इज ऑफ इमेंस इमेंस इम्पोर्टेंस टू यू गाइज तो यहां पर आपको पी डी एफ मिल जाना है फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिए बिकॉज इट विल बी एडेड टू योर लाइक वीडियोज